पौधा बड़ा है, पौधा लगाने का जगह नहीं है, उतना बड़ा हमारे पास पॉट नहीं है, उतनी ढेर सारी मिट्टी नहीं है, उसको रखने का जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे, जमीन नहीं है, कहाँ लगाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंद्रकला मिश्रा, आप देख रहे हैं माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन। मेरे हरे भरे गार्डन में आपका भरपूर स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स, आइए आज आपको एक इतनी अच्छी जानकारी देंगे कि आप जो लोग पौधा लगाने से कतराते हैं कि पौधा बड़ा हो जाएगा, जगह तो है नहीं, मिट्टी कहाँ से लाएं, कैसे लगाएं, कि और फूल पसंद है लेकिन हम पौधा नहीं लगा सकते। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये फ्लावर कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद होता है और हम आपको इसी तरह का बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए जो है प्रेरित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि पौधा, बड़े पौधे को हम कहाँ लगाएं, तत्काल में वो बड़ा हो जाएगा और हमारे पास तत्काल में, मान लीजिए आपको कहीं से कोई कटिंग मिल गई, कोई आपको पौधा दे दिया लेकिन आपके पास तुरंत जगह नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे उसको। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको इसी तरह का बेहतरीन वीडियो देते रहेंगे, आपको सलूशन बताते रहेंगे कि आप पौधों को कहाँ लगा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हम आपको कितना अच्छा जगह बताएंगे। आप देखते आइए फ्रेंड्स, ये हमारा चंपा है, कटहरी चंपा, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, आप नज़दीक से देख सकते हैं। मेरे गार्डन में बहुत तेज आज हवा जो है, एक हफ्ते से हवा लग रही कि मेरा गार्डन पूरा तहस नहस हो जा रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं आप कितना अधिक ये फूला, खूबसूरत फूल है और ये गुच्छों में फूलने वाला फूल है। देखिए बहुत ढेर सारा इसमें कली है और बहुत खिल चुका है। और मैं इसे लगाई कहाँ हूँ, आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखते चलिए, मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बड़े वैरायटी का पौधा होता है, ये छोटा नहीं होता है, लेकिन मैं उसका भी सोल्यूशन खोज ली हूँ। मेरे पास जगह नहीं था, मेरे पास बड़ा पॉट नहीं था, तो मैं इसे लगाई कहाँ हूँ। और मैं इसी तरह का आपको भी राय दूंगी कि आप भी ऐसे ही लगाइए, आप आनंद लीजिए, पौधे का आनंद लीजिए, ना कि आपको बर्तन देखना। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आप पौधा लगाइए, उसका सेवा करिए, आप बर्तन मत देखिए, आप किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। देखिए आप देखते जाइए, पौधे की हाइट देखते जाइए और लगाई कहाँ हूँ ये भी आप देखिए। देखिए अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसे कहाँ लगाई हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं, देखिए, और ये करीब 2 साल से इसी में मेरा लगा हुआ है पौधा, अभी 2 साल में पौधा इतना बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप, देखते चलिए। और मैं इसका इतना केयर करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं डालती, ना तो कोई पैसा खर्च करती हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी कंजूस हूँ इस मामले में। फ्रेंड्स, मैं कोई बड़ा पॉट नहीं खरीदी, लगाई हूँ जहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, मुझे जब फूल दे रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है उसमें अधिक पैसा खर्च करने की। तो मैं उसे, मुझे कहीं से मिल गया कटहरी चंपा का एक कटिंग, कहीं गई थी, मुझे कटिंग मिला, मैं ले आई। तत्काल में मेरे पास जगह नहीं था तो मैं एक डबल लेयर का, ये देखिए डबल लेयर का बोरी है, अब हल्का हल्का एक लेयर इसका ख़त्म हो रहा है लेकिन एक लेयर अभी इसका पूरा बचा हुआ है। तो ये डबल लेयर की बोरी, इसमें जीरा वगैरह आता है, तो डबल लेयर या दाल उल की बोरी मजबूत होती है, वो मेरे पास था। मेरे पास कुछ किचन के कुछ वेस्ट थे, जिसमें फल के छिलके, सब्जी के छिलके मैं एक छोले में रखते जाती थी, एक कार्टून में, वो मेरे पास थे। थोड़ी चाय की पत्ती वगैरह थी, थोड़ी गोबर की खाद थी, तो बस मैं उसको नीचे इसमें डाल दी, इस बोरी में नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसको डाल दी, फिर ऊपर से थोड़ी गोबर की खाद डाल दी, फिर थोड़ी मिट्टी डाल दी, फिर थोड़ी गोबर डाल दी और कुछ पत्ते वगैरह बीच में डाल दिए, और फिर इस पौधे को हमने लगा दिया। इस कटिंग को एक ले आई थी, कहीं गई थी, एक कटिंग काट के लाई थी।
उसके बाद एक कटिंग जो है बढ़ता गया। देखिए यहाँ आया, जब यहाँ आया तो यहाँ से ये ब्रांच दे दिया और ये तीन ब्रांच दिया और खूबसूरत सा फूल, बहुत खुशबू देता है। और ये मेरे खिड़की के पास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं खिड़की के पास ये जाली लगी हुई है ताकि इसमें मच्छर वगैरह ना जाए, और ये लगा हुआ है। और वहीं ये इतना फ्लावरिंग किया है हर में, तीनों में, इसमें का तो खत्म हो चुका है, अभी फिर लेगा। इसमें अभी बचा हुआ है, मैं उसमें नहीं वीडियो बना पाई, मुझे एकाएक ध्यान आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। लोग कहते हैं बड़ा पौधा हम कहाँ लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं आपके सामने परिणाम है। तो आप भी इस तरह का जरूर अपने घर में, अगर आपको कहीं भी मिल जाए, नहीं तो एक आप इस तरह का पौधा जरूर लाइए। बड़ी खुशबूदार और बहुत खूबसूरत पौधा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसका फूल बहुत खुशबू देता है और जल्दी फूल झड़ता नहीं है। तो आप इसे कहीं भी लगा दीजिए, अगर आपके पास बड़ा गमला है, बड़ा कंटेनर है तो उसमें लगाइए। संयोग बस नहीं है तो आप किसी भी चीज में, इस तरह मेरी तरह एक बोरी में लगा दीजिए और दो तीन साल तो बोरी आपकी आराम से चलेगी, अगर इस तरह की बोरी डबल लेयर की रहेगी तो। नहीं, अगर सिंगल लेयर की लगाएंगे तो 4-6 महीने में ही फट जाएगी, तो डबल लेयर की एक बोरी लीजिए, लगा दीजिए। फिर जब मान लीजिए जब वो फटता है तो फिर ऐसे ही उठा करके एक बोरी में उसको फिर ट्रांसफर कर दीजिए आपके पास, आप क्यों झूठे पैसा बर्बाद करेंगे। तो आप कहीं भी छत पे कोने पे रख दीजिए, फिर इसका भरपूर आनंद लीजिए। माता रानी को चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए, ये सबको बहुत पसंद आने वाला फूल है। और अपने पूरे गार्डन को, अपनी छत को महकाइए इस फूल से, बहुत ही पंपर फ्लावरिंग करता है। इस समय थोड़ा सा बंद हुआ है, जब फूला हुआ था, फूलेगा तो मैं फिर आपका इसका वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमसे जुड़े रहिए। हमारा उद्देश्य है पर्यावरण बचाइए, स्वच्छ रखिए वातावरण को, स्वस्थ खाइए, सुरक्षित रहिए, ऑक्सीजन लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।